नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि इसराइल ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। 26 तारीख को 26/11 की एनिवर्सरी है। गाइस 26/11 तो आपको याद ही होगा, मुंबई में हुआ था 26 नवंबर को 26/11 का घटना। इसराइल ने भारत को एक संकेत दिया कि हमने लश्कर-ए-तैयबा जिसने 26/11 को अंजाम दिया था उसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप भी हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दीजिए। गाइस अगर बात करें कि हमास को कौन कौन से देश ने एक टेररिस्ट संगठन मानते हैं, तो उसमें है US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस, वेरियस कंट्री हैं इसमें जो हमास को एक आतंकवादी संगठन मानती है। और अब इसराइल का कहना है कि इंडिया को भी हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इसराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को एक टेररिस्ट संगठन मान लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि कब माना। जब उसके ऊपर टेररिस्ट का अटैक हुआ तब, वो भी अपना फायदा देखते हुए। हमास के हमले के पहले भी तो इसराइल लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता था, लेकिन इसराइल ने ऐसा नहीं किया। अगर आप लश्कर-ए-तैयबा का विकिपीडिया देखो तो लश्कर-ए-तैयबा को US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, खुद पाकिस्तान, UK, रसिया, जापान, ये सभी कंट्री लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन इसमें इसराइल नहीं है। अब इसराइल ये डिक्लेयर कर रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकवादी संगठन घोषित करता है, कि ये वो संगठन है जिसने कई इंडियन लोगों की जान ली थी। देखिए गाइस, इन सब के पीछे एक जियोपॉलिटिक्स है, और जियोपॉलिटिकली कोई भी कंट्री बिना फायदा का कुछ नहीं करता, और यही जियोपॉलिटिक्स का नियम है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, हजारों पाकिस्तान लोग बोल रहे हैं कि हमें एक जिहाद करना चाहिए अगेंस्ट इसराइल, और इस चीज के वजह से इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को सपोर्ट कर रहा है कि हमने ये कर दिया है, अब आप भी ये करो। तो इसराइल को पता है कि वो जिस तरह से गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, आगे और भी करेगा, तो ऐसे में पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पर, जो टेररिस्ट संगठन है, वो गाजा आ सकते हैं और हमारे अगेंस्ट लड़ सकते हैं। इसलिए इसराइल भारत पर 26/11 को अंजाम देने वाले संगठन लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है, ताकि भारत इसराइल को सपोर्ट करे और हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे। तो वैसे आपको बता दें कि ये भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसराइल ने ये सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है, और अभी भारत हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं करेगा। देखिए जियोपॉलिटिकली तो कुछ भी हो सकता है, बट ये हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। जब तक इसराइल भारत पर हमला करने वाले हर एक संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता है, तब तक भारत को भी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अभी भारत इसराइल हमास वॉर में न्यूट्रल है। अगर हम सडनली हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करते हैं, तो हो सकता है कि जो वेस्ट एशिया कंट्री है वो हमसे नाराज हो जाएं, लाइक UAE, सऊदी अरब, बहुत सारे कंट्री हैं। और सबसे पहले भारत को अपने खुद के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमें अभी सबके साथ ट्रेड करना है, सबसे पहले अपने देश को ग्रो करना है, और इसीलिए भारत को न्यूट्रल रहना होगा। ना हमने रसिया यूक्रेन वॉर में किसी का मदद किया, हम न्यूट्रल थे, और हमने इजराइल हमास वॉर में भी किसी का मदद नहीं किया। हम मन से तो हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा भारत कर रहा है, बट हम फिजिकली या ऑफिशियली हम अभी के जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए इजराइल की मदद नहीं कर सकते। तो बहुत ही कम चांस है कि भारत सडनली हमास को ऑफिशियली टेररिस्ट संगठन डिक्लेयर करेगा। अगर भारत सरकार ऐसा करती भी है तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, और जियोपॉलिटिक्स में हड़कंप मच जाएगी। ऐसा ना हो कि भारत का जो ऑयल और गैस है वो रुक जाए, तो जियोपॉलिटिकली कुछ भी हो सकता है। इसलिए भारत का फायदा भी इसी में है कि भारत न्यूट्रल रहे, जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में किया। तो गाइस अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या जियोपॉलिटिकली भारत को हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना चाहिए, या कुछ टाइम के लिए हमें न्यूट्रल रहना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।